यहाँ नीतीश बाबू कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो नीतीश बाबू जरा बताइए, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो ये भारतवर्ष दुनिया में कैसे पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप क्या काम किए हैं जरा आप बताइए। आप सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर, तो आपको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को गिनवाते हैं, उसके बाद जरा आप बताइएगा कि आपने आज तक क्या किया है बिहार और बिहार के लोगों के लिए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आरसीपी सिंह का कहना है। दरअसल दिल्ली से बिहार लौटे आरसीपी सिंह और बिहार लौटने के साथ ही वो चले गए बीजेपी प्रदेश कार्यालय। वहां जाकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया है, उनसे सवाल करते हुए पूछा है कि आपने आज तक बिहार के लिए क्या किया है। आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आप आज तक क्या किए हैं? साथ ही साथ आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से ये भी कहा है कि आप तो चले हैं पर्यटन को एकजुट करने के लिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए। मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आप पीएम थे, पीएम हैं और पीएम ही रहेंगे, लेकिन पीएम का मतलब यहाँ पर है कि आप पलटू राम थे, पलटू राम हैं और पलटू राम ही रहेंगे। क्या कुछ आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर होके बोल रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उन तमाम बातों के साथ। यहाँ नीतीश बाबू कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो नीतीश बाबू जरा बताइए, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो ये भारतवर्ष दुनिया में कैसे पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? इस साधारण उपलब्धि है। आप देखिए पूरी दुनिया में किस प्रकार से कोरोना ने अपना कोहराम मचाया था। आप याद करिए, पहले भी इस प्रकार की बीमारियां होती थी, चेचक, हैजा, कई सौ वर्ष लगते थे टीका आविष्कार करने। हम लोग बाहर निर्भर रहते थे बाहरी देशों पर। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या हुआ, 220 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुका है। तो नीतीश बाबू ये क्या है, ये काम नहीं है क्या? आप कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा है, काम दिखेगा तब तो आपको। बिहार में जाकर पता कर लीजिए, 82 लाख किसान है जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक 4 महीने में 2000 रुपए जा रहा है नहीं जा रहा है, पता कर लीजिए। मैं तो गांव में रहता हूं, जितने गरीब लोग हैं प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्न योजना के तहत 5-5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। जरा मित्रों सोचिए, अगर यही कोरोना 1967 में होता तो भारतवर्ष की आधी आबादी भी नहीं बचती। उसमें क्या था, अनाज बाहर से आता था और तब लोगों को खाना मिलता था। और इतना बड़ा कोरोना पूरी दुनिया में आया, भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरा। इसके लिए हम लोग, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस देश को अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और आज प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात जब करते हैं तो नीतीश बाबू बोलते हैं काम ही नहीं हो रहा। जरा पता कर लीजिए मुख्यमंत्री जी कि इस देश में जो आयात होता था, किस चीज का, जो हमारे रक्षा की सामग्री होती थी, बहुत कम बच गया है। अब हमारा देश, आज देखिए हमारा अपना खुद का जो है फाइटर प्लेन बन रहा, ये भी रेल मंत्री रहे हैं। आज आप बताइए तेजस बन रहा है, वंदे भारत बन रहा है, ये कहां बन रहा है, सब यही बन रहा है।